स्वागत है आप सबको तानी स्ट्रीम चैनल पर। तो आज है कोजागोरी लक्ष्मी पूजा, माँ लक्ष्मी का पूजा आज के दिन हम बेंगोलियों के घर में, ज्यादातर लोगों के घर में आज के दिन होता है। ऐसे किसी किसी के घर में दिवाली वाले दिन भी लक्ष्मी पूजा किया जाता है, वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में और मेरे मायके में आज के दिन ही लक्ष्मी माँ की पूजा किया जाता है। तो आज दशहरा के बाद जो पूर्णिमा का तिथि आते हैं, दशहरा के नेक्स्ट जो पूर्णिमा तिथि आते हैं उसी दिन ये पूजा किया जाता है। तो मैं भी ऐसे घर में, तो कोई कोई लोग पंडित बुला के पूजा कराते हैं, कोई घर में खुद ही कर लेता है। मुझे उतना ज्यादा नियम नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी भक्ति से, अपने श्रद्धा से मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ पूजा। तो मेरे जो ससुराल है उधर मेरे चाची जो रहते हैं वो लोग अच्छे तरह से पूजा कर लेते हैं, उधर ही सारे नियम करके वो लोग करते हैं। मैं इधर, मेरा घर में भगवान का मूर्ति है तो थोड़ा सा इसलिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन उधर वो लोग मेरे घर में अच्छी तरह से कर लेते हैं। ऐसे लक्ष्मी पूजा का उतना ज्यादा नियम नहीं होता है, लेकिन कोई कोई लोग इसमें खिचड़ी का भोग चढ़ाते हैं, बहुत सारे मतलब भोग देते हैं। मैं सिर्फ फल और मिठाई दही इसी से माँ को भोग चढ़ाती हूँ, और मैं अपने भक्ति में जितना होता है, मेरे को जितना आता है उतना ऐसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आज मैं ऐसे पहनी हुई हूँ एक साउथ कॉटन मैरून कलर का, और ये ऑरेंज कलर का बॉर्डर है इसका। तो ऐसे साउथ कॉटन के एक साड़ी पहनी हुई हूँ। आज के दिन हमें मतलब साड़ी पहन के सब लोग पूजा करते हैं, और ये पूजा घर के लेडीज मतलब जो बहू होता है वही करते हैं। चलिए मैं कैसे पूजा करती हूँ आप देखिए। तो लक्ष्मी पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले नहा धो के अच्छे कपड़े, मतलब साफ कोई कपड़ा या नया कपड़ा पहन के अच्छी तरह से तैयार होना होता है। बिल्कुल सुहागन के निशानी जो जो होता है वो सब लगाना, जैसे कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, ये सब लगाना होता है, और आलता भी पहनना होता है। जैसे पैर में आलता पहनते हैं, मैं भी ऐसे आलता पहन लिया। देखिए मुझे आलता पहनना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे डेली नहीं पहनती हूँ, ऐसे पूजा के टाइम ये हमें ज़रूर पहनना होता है। आलता पहनने से तो बहुत सारे डिज़ाइन भी किया जाता है, लेकिन मुझे उतना सारा डिज़ाइन करना आता नहीं है, ऐसे मैं सिंपल सी ऐसे करके नॉर्मली पहन लिया। उसके बाद सुबह से मैं अपने घर को अच्छी तरह से क्लीन करके रखी थी। लक्ष्मी माँ क्लीन घर पसंद करते हैं, ऐसे कहा जाता है कि घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करना होता है, और ये जो आलपोना इसे कहते हैं, आलपोना देना होता है। ये एक मिट्टी आते हैं जिसको पानी में भिगो के रखना होता है, इसे खोड़ी माटी कहते हैं। फिर उसी से मैंने पूरे घर में आलपोना दिया। जबकि मेरे फर्श सफ़ेद है तो सूखने के बाद थोड़ा बहुत इसे दिखाई देता है, ये सफ़ेद कलर का होता है ये, तो सूखने के बाद ऐसे थोड़ा दिखाई दे रहा था, गीला टाइम ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे पूरे घर में जितना सुंदर हो सकता है ड्राइंग करना होता है, माँ लक्ष्मी इसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। बचपन से लेके मुझे आलपोना देने का बहुत शौक़ है, ये लक्ष्मी पूजा के टाइम घर में आलपोना देना ये मेरा ही काम था। अभी देखिए मेरे बेटे को भी शौक कर रहा था आलपोना देने का, तो उसने बोला जितना भी मेरा देने के बाद बच गया था वो दे रहा था अपने हिसाब से, जैसे उसको आता है ऐसे ही कर लिया था, लेकिन अच्छा किया जो भी किया है। फिर मैं आती हूँ पूजा घर में, ऐसे सुबह मैं पूजा घर को अच्छी तरह से क्लीन करके रखी थी। फिर मैं पहले ही आके दिया को जलाया, क्योंकि माँ लक्ष्मी के घर में मतलब कहते हैं दिया और धूप जैसे अगरबत्ती होता है वो हमेशा जलाया हुआ रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी इसको पसंद करते हैं। और ये लक्ष्मी पूजा में ना जैसे घंटी बजाते हैं हम लोग, वो सब नहीं बजाना होता है, सिर्फ शंख और उल्लू ध्वनि से माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। घंटी वगैरह ये सब नहीं बजाते हैं, लक्ष्मी माँ इससे नाराज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैं पहले पूजा के घर में आते ही धूप और दिया जला दिया है। उसके बाद मैं सबसे पहले गणेश जी जो है उसका पूजा कर रही हूँ, उसको उसके चरण में फूल अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि सब पूजा से पहले गणेश जी का पूजा करना होता है, इसलिए मैं गणेश जी का पूजा सबसे पहले कर लिया। अभी मैं जो मेरे घर में लक्ष्मी जी का
और नारायण जी का एक मूर्ति है, मतलब वो है भगवान है, वही मैं उसके ऊपर एक माला चढ़ा रही हूँ। माला देके इसको अच्छी तरह से फूल का हार माला देके इसे सजा रही हूँ। फिर ये जो पान का पत्ता है इसके ऊपर मैं मतलब सिंदूर को तेल से मतलब ऐसे मिक्स करके रखा था, और वो तेल सिंदूर लगा रही हूँ पान के पत्ते के ऊपर। ये पान और इसका ऊपर जो सुपारी होता है वो भी डालते हैं। और ये घट जो दिखाई दे रहा है मंगल घट है, इसको इसके ऊपर मतलब मैं सिंदूर का ऐसे निशान लगा दिया था पांच, और इसे जो लगा रही हूँ अभी सिंदूर उसको कहते हैं आम का पत्ता, आम पल्लव कहते हैं। मतलब आम का जो पत्ता होता है पांच वाला ऐसे ले आना होता है, इधर तो उतना नहीं मिलता है, इसलिए मैं कलकत्ता से ऐसे पीतल का एक लेके आई हूँ। फिर वो घट में मंगल घट में मैंने पानी भर लिया, पानी भर के और इसके बाद मैं एक कोड़ी लेके उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगा दिया, और एक सुपारी के ऊपर भी ऐसे सिंदूर का टीका लगाते हैं, लगा के वो घट के ऊपर ऐसे रख दिया। ये जो नारियल का सूखा हुआ आता है, नारियल सूखा हुआ जो छिलका होता है उसको जला रही हूँ मैं, उसे धूप कहते हैं। कर्पूर इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा धुनो कहते हैं, पता नहीं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, उसे डाल के ये जलाया जाता है। अभी घट का मैंने स्थापना कर दिया है उल्लू देके और सांक बजा के। अभी मैं सारे फूल इकट्ठा करके रख दिया, बहुत सारे फूल लेके आया। ये धूप होता है ना, धूप भी ये लक्ष्मी पूजा के लिए ज़रूरत होता है, धूप तुलसी का पत्ता ये सारे एक साथ रख दिया। अभी भगवान को सारे पुष्पांजलि देंगे। भगवान का भोग भी मैंने लगा दिया, साथ में एक पान को भी रखना होता है भोग के साथ। अभी मैं और मेरे बेटे आरती कर रही हूँ, माँ लक्ष्मी के सारे भगवान की आरती कर लिया हम दोनों मिलके। से माँ लक्ष्मी का पूजा शाम के टाइम ही करते हैं, पूर्णिमा लगने के बाद जो टाइम होता है उस टाइम पे शाम के टाइम ये पूजा किया जाता है। शंख बाजी तुम्हारे घरे नेछि সুগন্ধ ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছি তথা দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস লক্ষ্মী দেবী আমি করি বসি নারায়ণ কইতেছে নানা কথা সুখে আলোপন হেন কলি পিনা করি না। उसके बाद मैं भगवान का जो पूजा का कथा होता है भगवान का शरण किया, अच्छे से प्रे किया भगवान को, जैसे मुझे आता है ऐसे मैंने पूजा को कंप्लीट किया है। तो मेरा पूजा अभी कंप्लीट हो गया है, ऐसे 5:30 बजे का मुहूर्त था, 5:30 बजे मैंने पूजा करने बैठ गई थी। तो इसी तरह से मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग नए आए हो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब लोग अपना ध्यान रखें, भगवान सबका मंगल करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।